मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूं। मेरा यह शरीर मंदिर है। मैं मूर्ति और मंदिर का सच्चाई से श्रृंगार करता हूं। अवगुणों की सफाई करता हूं। अनुभव कर रहा हूं कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों के वाइब्रेशंस निरंतर मुझ पर आ रहे हैं। मेरा मन निर्मल हो रहा है। बुद्धि स्वच्छ बन रही है। संस्कार दिव्य होते जा रहे हैं। मेरा जीवन दिव्यता से भरपूर हो रहा है। मैं तन मन दोनों को स्वच्छ रखता हूं। देहभान की मिट्टी से सदा दूर। मनसा वाचा कर्मणा देह अभिमान से मुक्त। देही अभिमानी स्थिति। ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान मैं। गुणमूर्त आत्मा सदैव ऊंची स्टेज पर स्थित। स्वचिंतन से श्रेष्ठ स्थिति में स्थित। सभी के प्रति शुभ भावना कल्याणकारी भावना रखने वाला मैं। गुणग्राही आत्मा सदा सभी के गुणों को ही देखता हूं। गुणों का ही वर्णन करता हूं। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करता हूं। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का संपूर्ण नाश। अवगुणी आत्मा में भी मैं सदा गुण ही देखता हूं। विशेषता ही देखता हूं।
के प्रति भी सदा कल्याण की भावना रखता हूं। मैं होली हंस सदा गुण रूपी मोती ही चुगता हूं। अवगुण रूपी कंकड़ छोड़ देता हूं। पर दर्शन पर चिंतन से सदा मुक्त रहता हूं। सबका शुभ चिंतक बन अपकारियों पर भी उपकार की भावना रखता हूं। सभी की विशेषता और गुण देखते देखते सभी विशेषता और गुण मुझ में धारण हो गए हैं। और मैं गुण मूर्त साक्षात्कार मूर्त बन गया हूं। शांति।